तरलान मैट्रेस के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो फिर कंफर्टेबल ड्यूरेबल मैट्रेस के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। नजमुद्दीन सेल्स कॉरपोरेशन, बिहाइंड हरियर रोड, पिंजरवाड़ी, रायचूर। टीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस, इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद, SCMA कैमरा। नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुलबर्गा के सीनियर जर्नलिस्ट, बहमनी न्यूज़ के एडिटर अज़ीज़ुल्लाह सरमस का शुमार रियासत के दानिश्वरों में होता है। वो जब भी कोई बात करते हैं तो बड़े ही नुक्ते की बात करते हैं और बड़े ही दूर अंदेशी के साथ वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुख्तसर से जामे में बड़ी बड़ी बातें वो कह जाते हैं। इनकी यही खसूसियत और उनकी यही ख़ास बात है जिसकी वजह से लोग उनकी बात को सुनना चाहते हैं और उनकी बात दूर तक पहुँचती है। आज वो रायचूर शहर आए हुए थे, इस मौके को गनीमत जानकर हमने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इन दिनों मुस्लिम वोटों की कदर को घटा दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ना पार्टी के फोरम में कोई आवाज़ कौम के लिए उठाई, ना ही हुकूमत के ऐवान में कोई कौम के लिए आवाज़ उठाते हुए वो नज़र आए। जबकि कौम को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी मुस्लिम नुमाइंदे सिलसिले में आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से कौम उनसे मायूस है। अब असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, कबल भी आप बताए थे कि पहले जो मुस्लिम नुमाइंदगी है उससे भी कम होगी, क्या आप अभी तक भी वही सोच रहे हैं कि इस बार मुस्लिम नुमाइंदगी कम होगी? अब मुझे हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि जो बीजेपी है उसकी ये हिम्मत अमली है कि असम्बलियों और पार्लियामेंट में और उससे निचले जो इदारे हैं उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी को किस तरह से घटाया जाए। और आप जानते हैं कि पहले ही मुस्लिम वोट्स की वैल्यू भी घटा दी गई है। तो अब मौजूदा हालात में होता ये है कि मुसलमान सिर्फ सेकुलर पार्टियों पर डिपेंड है, सेकुलर पार्टियों पर ही उनका इनसार है। तो सेकुलर पार्टियां जो है वो आपस में टकरा जाती हैं या फिर उनके उम्मीदवार दोनों ही मुस्लिम होते हैं, तो इसमें दोनों उम्मीदवार हार जाते हैं और बीजेपी बआसानी जीत जाती है। आज हिंदुस्तान में बीजेपी को जो सियासी कुव्वत हासिल हुई है वो सेकुलर वोटों की तकसीम की वजह से हुई है। हालांकि इस मुल्क में सेकुलर वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इस सेकुलर वोटों को मुंतशिर किया जा रहा है, उनको तकसीम किया जा रहा है, उसके नतीजे में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मुसलमान एक सियासी हिकमत अमली अख्तियार करते हैं और एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली अख्तियार करते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे मुंतखब करें। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब मुस्लिम हलके महफूज नहीं रहे, मुस्लिम हलकों की तादाद भी कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में अब जो 7 MLAs हैं उनसे मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जाती है उनके बारे में। उन्होंने कभी भी मिल्लत के मसाइल को ना पार्टी फोरम में उठाया ना हाउस में उठाया, तो आज मुसलमान उनको किस उम्मीद पर ओढ़ दें, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है कि ये जो नाराज़गी मुसलमानों में पाई जा रही है, ख़ास तौर पर कम्युनल इश्यूज पर ये जो मुस्लिम MLAs है उनका रोल बहुत मायूस कुल रहा। तो मौजूदा हालात में जो नाराज़ मुसलमान हैं वो जाहिर है कि वो किसी और सेकुलर जमात की तरफ उनकी वो कशिश होगी, सेकुलर जमात की तरफ वो मायल हो सकते हैं। तो मौजूदा हालात में कर्नाटक में मुस्लिम वोट्स अगर डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, तो इससे मुसलमानों का ही नुकसान होगा।